Oh my god. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो अभी हम राइड पे निकल रहे हैं और R15 V3 और मेरी NS 200 और आज मैं चलाने वाला हूँ Apache 200 4V. सो लेट्स गो. सो गाइज, बेसिकली दिस इज VS6 वर्जन और काफ़ी बेसिक सा एग्जॉस्ट नॉट है इसका और अभी मार्च में ही लिए ये. तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे इसकी. तो आज हम निकले हैं सैटरडे राइड पर और भाई दबे आपको दिख रहा होगा कि मैंने जैकेट और ग्लव्स पहन रखे हैं. तो ये मैं राइडिंग गियर्स की एक अलग वीडियो बनाऊंगा सेपरेट. वो मैंने पूरे राइडिंग गियर्स मंगा लिए हैं तो अभी पैंट्स और बूट्स आए नहीं हैं, जैकेट और ग्लव्स ही आए हैं. तो भाई आप इस बाइक में जहाँ देखोगे ना वहाँ इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भरे पड़े हैं और ये टॉप मॉडल है जिसमें ड्यूल चैनल ABS आता है और FI तो इसमें है ही. तो इसकी ऑन रोड प्राइस मैं बताऊँ यहाँ पर 1,62,000 की पड़ी है और आगे इसमें आपने DRL देखी, LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं हमको. तो मेन थिंग इसमें क्या है स्पेशल, इसमें राइडिंग मोड तक दिए हुए हैं. लाइक आपको स्पोर्ट में चलानी है, रेन मोड में चलानी है और एक अर्बन मोड, मतलब तीन राइडिंग मोड्स है इसमें और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो मोड्स. तो इसका एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है बट ऐसा लगता है बहुत जल्दी RPM पूरा हो जाता है क्योंकि NS 200 में यार थोड़ा लॉन्ग खिस्सा है वो, क्योंकि इसमें छोटा स्पॉकेट है, इसका बहुत बड़ा स्पॉकेट है गाइज. तो एक्सेलरेशन तो अच्छा है बट इसकी टॉप स्पीड इतनी नहीं है और 5 गियर भी देखने को मिलते हैं इसमें, NS 100 में 6 गियर हैं. और स्लिपर क्लच में तो अलग ही मज़ा आ रहा है यार इसको चलाने में. और लीवर भी इसके यार एडजस्टेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पर. तो क्लच रिलीज जो है इसका बहुत कम है स्लीपर क्लच होने की वजह से. बाकी यार इसमें आगे का टायर बहुत पतला है मेरे ख्याल से क्योंकि 90 साइज है इसका और NS 200 स्टॉक में 100 आता है और मैंने 110 डलवा रखा है आगे. पीछे तो वही 130 है जो NS 100 में आता है स्टॉक. भाई इसका मीटर सब कुछ बताता है, यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हैं गियर भी दिख रहे हैं कौन से गियर में है बाइक और एवरेज स्पीड बता रहा है अभी. जैकेट में तो मज़ा आ रहा है राइड करने, उससे ही बता रहा हूँ बिल्कुल विंड पता ही नहीं लग रहा.
है, 4000 चली हुई है। और 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है एक्चुअली, तो आपको झंडे दिख रहे हैं जगह जगह इंडिया के। भाई क्या ही मज़ा आता है यार मॉर्निंग राइड में जाने में यार। लुक एट द सनराइज गाइस, एन एस स्टूडेंट में हमको यार ऑप्शन भी नहीं मिलता ड्यूल चैनल एबीएस का, और इसमें हमको ड्यूल चैनल एबीएस मिलता है। बाकी पावर में इसका एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है, बट टॉप स्पीड में शायद ही हरा पाएगी एन एस स्टूडेंट को। अभी ये फिफ्थ गियर में चल रही थी तो मैंने एक बार चेक किया था सिक्स गियर लग भी रहा है नहीं लग रहा, तो क्या पता बी एस सिक्स में दे दिए सिक्स गियर, बट नहीं है फिफ्थ गियर ही है इसमें। अभी थोड़ा आगे हाईवे पर मतलब जहाँ खाली रोड आएगी हमको इसकी टॉप स्पीड पता लग जाएगी कितनी जा रही है। मेरे ख्याल से स्पोर्ट मोड में है नहीं अभी, क्योंकि भाई ये 105 पर ही वो करने लग गई थी, तो आई डोंट मुझे पता नहीं इसके मोड चेंज कर सकते हैं चलते हुए बाइक में, एक बार करके देखते हैं। हाँ अभी रेन मोड में है एंड ये अर्बन मोड में है, अभी ये स्पोर्ट मोड में। ओके अब हाँ अब बाइक की थोड़ी पावर फील हो रही है मुझे, मैं शायद अर्बन मोड में चला रहा था इसको अभी तक। फोर केयर 125 एंड ना फिफ्थ केयर, देख सकते हैं आगे नहीं जा रही और एनएच यूनिट आगे निकल चुकी है। तो 136 के ऊपर नहीं आ रही है, कार फंस आ रही है भाई, रॉन्ग साइड कार। मजा आया, ये 137 जा रही है, 137 ये बाकी ये स्पोर्ट मोड में अब आइए, पहले अर्बन मोड में चला रहा था इसको मैं, पावर फील नहीं हो रही थी। हाँ राइडिंग मोड है इसमें, हाँ स्पोर्ट कर लिया मैंने। अच्छा चलो चलो,
ये 132 गई है। तो भाई R15 और NS100 को पकड़ना बहुत हार्ड है, इससे अगर आप टॉप स्पीड में जा रहे हो तो देखो पकड़ने में भी नहीं आ रहे। मतलब इसका एक्सलेशन अच्छा है, मैंने अभी शुरू में इतना अच्छा एक्सलेशन दिया नहीं इसमें, बट टॉप स्पीड में ये पीछे रह जाएगी भाई। R15 NS100 से आपने देख लिया पकड़ में आई नहीं सकते, मतलब 140 पे। बहुत रिफाइंड इंजन है यार GS6 का, तो रियली यार बहुत स्मूथ चल रही है बाइक। और इसके अलावा इसकी फीचर्स की बात करूँ तो यार ये आई बटन देख रहे हो इधर, ये स्मार्ट टेक्स टेक्नोलॉजी है, मतलब इसमें आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो इस बाइक से। और आपको पता ही होगा ये तो पहले भी था फीचर कि आसपास के अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो नियर बाय हॉस्पिटल दिखा देता है ये। ओह माय गॉड व्हाट अ फ्लाई बाय। मतलब मैं क्या बोल रहा था भूल गया भाई, वो तो R15 की टॉप स्पीड चेक करने में लग रहा है बंदा। एनीवेज मैं बोल रहा था इसमें एक स्मार्टेक टेक्नोलॉजी है, तो उसमें आप बहुत कुछ कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से। लाइक अगर ये आपकी लीन एंगल भी बता देगा कि कितनी डिग्री तक आप लीन कर रहे हो बाइक को, और मतलब फुल ट्रैक वाले फीचर्स होते हैं ना वो इस बाइक में। और आप ये सस्पेंशन देख रहे हो तो भाई ये शोवा की सस्पेंशन, और ये एडजस्टेबल सस्पेंशन है। लाइक मुझे बिलीव नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में कि इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है, तो ये हार्ड साइड पर भी जा सकता है और थोड़ा सॉफ्ट साइड पे भी जा सकता है। अगर आपको कंफर्टेबल राइड लेनी है तो आप इसको सॉफ्ट साइड पे कर सकते हो, और इसको हार्ड साइड पे कर सकते हो आप जो आपको थोड़ी स्टिफ राइडिंग चाहिए, अग्रेसिव राइडिंग करनी है। लाइक फीचर तो फुल हैं यार इसमें लोडेड अपाची 200 4B में। प्राइस भी इतना नहीं है तो मैं तो कहूँगा यार बहुत बाइक है, काफ़ी अच्छी है चलने में। अगर आप लेने की सोच रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज टाइप ऑफ राइड रिव्यू ऑफ अपाची 200 4B बाय DS मोटर ड्यूब। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। With the